अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आपको स्वागत है मेरे YouTube चैनल में इमाम एन माल्टा टीवी में। जैसे कि मैंने बताया था कि मंडे को मैं पूरा ये डाउट क्लियर करूँगा, फाइल सबमिट हो रहा है नहीं हो रहा है, या होगा कि नहीं होगा। फाइनली मैं इस टॉपिक पर आ गया हूँ, बट मैं कुछ बोलने से पहले, जो हमारे आदमी का फाइल सबमिट हुआ है, मेरे खुद के आदमी का है, आज सुबह 10 बजे दिल्ली में फाइल सबमिट हुआ है, मैं उसका खुद रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। पहले रिकॉर्डिंग सुने, फिर हम कोई बात करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं आपको अभी इस मोबाइल में अपना रिकॉर्डिंग सुनाता हूं, और मैंने ऑलरेडी प्रूफ के तौर पर रिकॉर्डिंग मंगाया हुआ है, तो आप रिकॉर्डिंग सुने, आप खुद बिलीव हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। बने रहे वीडियो में, एक मिनट सिर्फ गौर से रिकॉर्डिंग आप लोग सुनिएगा, कान लगा के भाई लोग। अस्सलाम वालेकुम इमाम भाई, आज मैं दिल्ली VFS ग्लोबल में गया था। आज मेरा अपॉइंटमेंट था 10/4/2023 का, तो उधर गया तो मेरा अपॉइंटमेंट 10:30 बजे का था। तो अंदर मैं एंटर हुआ, उसके बाद मैं अपना फाइल चेक करवाया, उन्होंने मैं पूरे डॉक्यूमेंट चेक किए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापसी दे दिए, जो स्कैन किए हुए थे वो डॉक्यूमेंट रख लिए उन्होंने। और उन्होंने मेरे को बोला कि आपने डिक्लेरेशन प्रूफ नहीं लगाया। मैं बोला मैम डिक्लेरेशन प्रूफ कहाँ से लगाऊं, आपने सडनली चेकलिस्ट चेंज कर दिया। उसके बाद में हम कहाँ से लगाएं, थर्सडे को आपने चेकलिस्ट नया जारी किया इशू, और फिर फ्राइडे आ गया, सैटरडे संडे, 3 दिन की तो वैसे ही छुट्टी हो गई। आज मंडे है, आज मेरा 10 तारीख का अपॉइंटमेंट है, तो मैंने वो होटल बुकिंग लगाया 1 महीने का, तो उन्होंने मेरा एक्सेप्ट कर लिया और मेरा फाइल भी जमा हो गया, बायोमेट्रिक भी हो गया। उसके बाद में हम कितने तकरीबन 60-62 बंदे थे, ठीक है ना। तो उसके बाद में तकरीबन मैंने सबका चेक किया, फाइल ऐसे देखा, हमारे साथ बैठे थे बंदे, सबका देखा, यानी 8 या 10 आदमी के पास वो डिक्लेरेशन प्रूफ फॉर्म था, और बाकी सब ने होटल बुकिंग लगा के रखा था। सबका एक्सेप्ट हुआ, सबका फाइल जमा हुआ, और हमने पूछा उनसे भाई कब तक हमारा पासपोर्ट आ जाएगा वीज़ा लेके, उन्होंने बताया कि हम 15 दिन तक का टाइम लेते हैं, उस इतने दिनों में आपका क्लियर होके आ जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन था। और प्रीमियम लॉन्च मैंने लिया था, वो लोग कोई फोर्स नहीं करते, प्रीमियम लॉन्च आप लो या मत लो, वो आपका मर्जी है। हाँ, अभी तो देखो हो गया, क्योंकि सडनली उन लोगों ने अभी तक इतना जोर नहीं डाले, आगे से भरोसा नहीं है वो लोग होटल बुकिंग ले या ना ले, क्योंकि वो डिक्लेरेशन प्रूफ ही मांग रहे हैं, आगे से ले ना ले वो पता नहीं है, हो सकता है कल ना ले, परसों ना ले, उसके बाद में ना ले, डिक्लेरेशन प्रूफ ही मांगे। तो इसलिए मेरा ये सजेशन है, जो भी बंदा अगर VFS ग्लोबल में जा रहा है तो उसको डिक्लेरेशन प्रूफ बनवा ले अपने एम्प्लॉयर से या वहाँ से कोई माल्टिक से, तो वो अच्छा रहेगा फाइल सबमिट के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन था। अभी मैं घर पे भी आ गया हूँ जाके, तो अल्लाह करे आ जाए, अच्छा रिजल्ट आए वीज़ा लाग के, ठीक है इमाम भाई। फाइनली आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुन लिया हुआ है, और मैंने आप लोगों को प्रूफ दिया हुआ इस रिकॉर्डिंग में, क्योंकि मेरे आदमी का फाइल सबमिट हुआ है। बट जो चीज़, एक बात बोले मेरे भाई, जो चीज़ BFS वाले जो करते नहीं है ना मेरे भाई, ये हम और आप जो वीडियो पर ना अफवाह फैला के और हम लोगों ने तुरंत वायरल करते हैं ना जो वीडियो, वो इस बात को समझ के भाई, चलो भाई अभी हम होटल बुकिंग नहीं लेंगे हम, ठीक है ना। बट जैसा भी है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह फाइल सबमिट हुआ है, आप लोगों के सामने रिकॉर्डिंग है, और 10 बजे का अपॉइंटमेंट था आज, मेरे खुद के आदमी का, मेरी खुद की कंपनी का है, ठीक है ना। इंडिया से ये दूसरा आदमी है जो फाइल सबमिट किया है, और एक आदमी को तो मैंने आज रिसीव कर लिया, आप लोगों ने वीडियो में भी देख लिया होगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो देखिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर किसी का एम्प्लॉयर नहीं दे रहा है तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपका फाइल सबमिट हो जाएगा। मतलब चेकलिस्ट में ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है कि मैं होटल बुकिंग नहीं लूँगा, ठीक है ना मेरे भाई। थोड़ा सा आप लोग भी आँख एक वैसे बड़ी करके ना पढ़ा करें, चेकलिस्ट में लिखा क्या है, ठीक है ना।
जिसने वो बोले ना कौवा तुम्हारा कान ले गया, तो बस कौवे के पीछे भागते फिरो, बस अपना कान मत देखना, मेरा कान किधर है। क्या यार, थोड़ा सेंस होना चाहिए आदमी। देखो क्योंकि मैं भी आदमी, मेरे को जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं उतना ही बतलाता हूँ। मुझे कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा बात करने के लिए मेरे भाई, आपकी हेल्प के लिए बतला रहा हूँ। प्रूफ आपके सामने मैंने रख दिया हो, डिसीजन आपने लेना है, चाहे जैसा लो, ठीक है ना। आप अपने एम्प्लॉयर को बोलो प्रूफ एंड डिक्लेरेशन पेपर मुझे चाहिए, अभी एम्बेसी में फाइल नहीं सबमिट कराए। अगर वो दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो उनके साथ झगड़ा मत करो यार, रिलेशन बना के रखो। होटल बुकिंग लगाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप एम्बेसी में जाएं, बोले सर ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत आ रही है, तो ये मुझे प्रॉब्लम है। अगर वो सबमिट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने एम्प्लॉयर से ही बात करें, ठीक है ना। प्रूफ मैंने आपके सामने रख दिया, मैं उससे ज़्यादा कोई बात नहीं कर सकता हूँ, क्लियर कर दिया हूँ। मंडे को मैंने आपसे प्रॉमिस करा था क्लियर करूँगा, और क्लियर करके दिखाया हूँ। और मैं बहुत जल्द मैं खुद इंडिया में आ रहा हूँ, तीसरा फाइल मैं खुद अपने हाथ से जमा करवाऊँगा, ठीक है, जो मेरा खुद का बहनों ही है, ये भी आप लोगों को बतला देता हूँ। बाकी चलें, आप लोग की लक बेस्ट ऑफ लक लगे रहें, और जौन जौन से भाई हैं अपने फाइल सबमिट करने वाले हैं वो अपना फाइल पूरा रेडी करें। और एक चीज़ और आपको बतलाता हूँ जाते जाते, इस आदमी का पूरा फाइल उन्होंने लिया हुआ है, इस आदमी का पूरा फाइल लिया हुआ है, ध्यान रखें। हैदराबाद में सिर्फ स्कैन करके लिया हुआ है, पर दिल्ली में पूरा फाइल लिया हुआ है। तो अपना फाइल पूरा लेके जाएं, जरूरी नहीं है कि जितना बोला हुआ उतना ही लेके जाएं। ये लोग अलग अलग VFS में अलग अलग हिसाब से फाइल ले रहे हैं, ये आप लोगों को क्लियर बतला रहा हूँ। और वीडियो को स्किप मत किया करें, पूरा वीडियो आप देखा करें, क्योंकि इस मोबाइल पर मैं चेक करता हूँ, आप लोग जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आप लोग समझ में नहीं आता है, ठीक है। बाकी चलें, मुझे आशा है कि बस ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और मैं दिल से दुआ करूँगा कि सब भाइयों को वीज़ा लगे, और जैसे मेरे आदमी यहाँ पर आ रहे हैं माल्टा में, आप लोग भी आएँ और अपने फैमिली को सेटिंग करें, अपनी फैमिली को अच्छा रखें और खुशी खुशी रखें, ठीक है। थोड़ा लेट बना रहा हूँ वीडियो, इसके लिए दिल से आई एम सॉरी। आप जो गलत रास्ते पर गए हैं वो सीधे रास्ते पर आ जाएं, आप लोग से यही गुजारिश है, ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग का दिल और दिमाग भटक गया है, आदमियों ने भटका दिया हुआ है, उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सही रास्ते पर ले आके दौड़ाऊँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप अपने अपने माइंड से सोचना है, मैंने क्या करना है नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आपने एक सही रास्ता लेना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करें, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपका मर्जी है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर समझ में आ रहा है तो इसको शेयर करें चैनल को, कि एक के पास एक पहुँचे तो कम से कम उसके पास ये न्यूज़ पहुँचे, उसको समझ में तो आए कि मैं इमाम क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है ना। एक छोटा सा वर्कर होकर यार इतना नॉलेज आपको बांट रहा है, और आप लोगों को क्या चाहिए। मैं तो आपसे कोई पैसा तो नहीं मांग रहा हूँ ना, कोई चीज़ आपसे कुछ, जैसे मैं जैसे होता ना एक आदमी को कोई भी चीज़ एडवाइस बतला रहा है तो उसका कोई चार्ज करता है, मैं वो चीज़ तो नहीं मांग रहा हूँ ना आप लोग से, ठीक है ना। बस ये बोल रहा हूँ कि बस आप लोग को चार पैसे बच जाएं, आप लोग चैनल को कम से कम शेयर करें, बस शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप लोग जितना और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट डालें, अच्छा अच्छा कॉमेंट डालें, क्योंकि कोई भी हमारे चैनल पर जब विजिट करेगा ना भाई, तो सबसे पहले वो कमेंट पढ़ेगा कि हम उसका कमेंट कैसा जा रहा है, आदमी उसको बुरा बोल रहे हैं चाहे खराब बोल रहे हैं, ठीक है। तो गलत आदमी को गलत ही कमेंट आएंगे, सही आदमी को सही कमेंट आएगा। बाकी समझदार आप लोग हैं, और पब्लिक इस टाइम सब तेज है, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो आपका दिमाग है, जैसा सोचना चाहें आप लोग सोच सकते हैं, ठीक है। दुआओं में याद रखें इमाम हुसैन को। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।